for him to come from an office. It's just a big, we are really grateful to him for coming here today. Of course, Mr. Kapil Mohanty, this is not the first time. Every time he is seeing something new and the right time. And I think next year will see much better and better and better. But one thing I have to say that in, I am not saying that a professional photographer, more than a professional photographer. But to have a photograph of a person is very easy because you can say you pose like this. Now the white light and the tiger, this photograph is very difficult. So we really compliment him and compliment him for this effort. Besides being an industry businessman, politician, political leader, man, philanthropic activities, organic, artisan, whatever he does, but this is something which he has taken liking for and every year I think he makes trips to various places, Kana, Tampur, Bharatpur and all that. See that he gets the best of it. And we are really happy that we without going to come and see here. So thank you, sir. With Kapuwai, of course. Who knows, who tells us how to put it up in this story, and very supportive of Mr. Mohanty and all of that. Thank you very much, Kapuwai. And all of you. We would have also seen a film today, but film by Mrs. Ratha Bhattar today, but from tomorrow on, so to do it the same way. Kamal Mulaka, wants to write a Sajjana, reading a gentleman. Vijaya and the Buraya of the Ghosh of India. But my Rathana Sukara, Aki, Yama, Aki, ये कोई इंडिविजुअल सिचुएशन है कहीं कुछ कोई लिटरेरी फंक्शन होता है या कहीं कोई सोशल कोई इशू पे होता है तो वहाँ कुछ आते हैं प्रतिभा में आ गई है तो वो बोल देते हैं तो मगर यहाँ तो एग्जीबिशन है फिल्म तस्वीरों की और कर रहे हैं मल्टी तो यहाँ क्या कह रहा है तो उससे अच्छा बात याद आया कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइव है उसकी एक बड़ी अजीब कहानी है ये फोक लोर है उसे हम फोक लोर कह रहे हैं बट फॉर देम इट इज देयर थिंग कि सदियों पहले भूमि मां ने दो बच्चों को जन्म दिया ट्विन से उनमें से एक शेर था और एक इंसान और ये दोनों भाई थे बच्चों तक खेलते रहे था लेकिन फिर एक दिन एक भाई ने कहा कि मुझे तो गांव अगर बड़े शहर है दूसरे ने कहा कि मैं तो जंगल में ही रहूंगा और यहाँ वो दोनों भाई है लेकिन सच ये है कि ये भाई है इसलिए इंसान में बहुत कुछ शेरों जैसा और शेर ही बहुत कुछ इंसान जैसा होता है ये रिश्ता तो पता नहीं है तो जरा रेयर हो गया ऐसा होना अब मेरे ख्याल से आदमी में शेर जैसा कभी हो सकता है अगर आदमी कमल मुरांका जैसा हो और शेर के लिए शर्त है कि अगर वो ऐसा हो तो फिर उसका जू या सर का नहीं होना चाहिए सब कुछ आजाद शेर कमल जी मैं आपको बताऊँ बड़ी दिलचस्प यू नो टाइगर और लायन हाँ तो दोनों ही हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टेरिटरी देयर टेरिटोरी बाकी सब ठीक है लेकिन वो आपको अपनी टेरिटरी में नहीं घुसते गुजरे उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है कमल जी की लेकिन कमल जी की टेरिटरी क्या है कमल जी की टेरिटरी की प्रॉपर्टी की बिजनेस की धनदौलत नहीं है कमल जी की ऐसी टेरिटरी जहाँ ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इनकी आइडियोलॉजी है इनके कन्विक्शन है इनके बिलीव है देखिए हमारे पास तो एक गालिब की लाइन है कि घर में खा खा के तेरा हम जैसे गारा करता तो हम तो तीन लोग हैं हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा है क्या हमारे पास लेकिन वो लोग इनके पास कुछ होता है वो बड़े एहतियात से जीते हैं वो बड़े कॉम्प्रोमाइज करते हैं उन्हें अपने आप को बचाना होता है मैंने किसी इंडस्ट्रीज में
मन में वो जुरत नहीं देखती है कि मैं कमल पर आपका काम करूं। तो ये है उनकी टेरिटरी, उसने किसी को बोलते नहीं, और एक उनको तो छोड़ने को तैयार है। दूसरी एक लाइन बना लाइन का जो प्राइड, उसमें जो बच्चे हैं वो सबके बच्चे, सारी माया हर बच्चे की माँ, सारे शेर हर बच्चे की माँ, ये बहुत कम है, कम इस खुशी क्यों होता। यानी शेर फैमिली, इमीडिएट फैमिली के पैसे पे नहीं सोचता, बल्कि अपनी सोसाइटी के। मैं इस लड़का हूँ, देखो भी कमेंट, मैं इनके आबाई गाँव में गया हूँ, छोटे से शहर में घर पर गया हूँ, घर पर आए हैं। आमतौर से जब लोग आते हैं तो मुश्किल के वापस जाते हैं, और जाने दिए हैं तो ये दिखाने के हमने क्या क्या कर दिया है। लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने क्या किया। तो ये सोसाइटी के फिक्र जो है, ये बिल्कुल शेर के मिजाज, शेर भी अपनी सोसाइटी की तरह होता है। एक बात बताइए, समझिए आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेज? यहाँ शेर बना फैलते हैं कि शेर एक स्ट्रिक्ट नॉन वेज है, लेकिन एक बात में ये भी वाला फैसला, और वो है इनका इंटरेस्ट फाइन आर्ट से, लिटरेचर से, पोइट्री से, म्यूजिक से, पेंटिंग से। इस मामले में शेर बार आ गया। ये मैं अपने दोस्तों का से सुनाता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इंडस्ट्रियल जो बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े मैंने आज तक किसी इस तरह के इंसान के ऑफिस में शायरी की किताबें नहीं, इनकी केबिन के सामने एक अलमारी है जिसमें एक किताब जो है बिजनेस के बारे में नहीं है, वो तो सारी की सारी लिटरेरी किताबें हम ज्यादातर पोएट्री। इनका इंटरेस्ट रिजर्व से, पोइट्री से, ये सबूत तो दीवारों पे और लक्ष्मण दबोर जिंदगी की दूसरी चीजों से, वरना हम लोग क्या है बात अपने बारे में, हमारी ओपिनियन बड़ी अच्छी है, हम ये समझते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, हम मटेरियलिस्टिक नहीं, बल्कि हम बेहद मटेरियलिस्टिक लोग हैं, और ज्यादातर दिवाल पैसे की किसी चीज की बात नहीं, और कम लोग होते हैं जिनकी जिंदगी की प्रायोरिटी उसके अलावा भी कुछ होती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्गली होती है, और उनकी प्रायोरिटी जिनके पास खुद नहीं हो उनके मैं इतना इंप्रेस नहीं होगा। अरे भाई, एक आदमी जंगल में चला गया अगर तो गौतम बुद्ध नहीं हो गया, सवाल यह कि आपके पास पीछे महल है कि नहीं है, तब आप कर रहे हैं तो बड़ी बात। तो इनका इंटरेस्ट जो मैंने हमेशा देखा है, एक कहावत है कि वो ऐसे हैं एक हाथ से देखते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगता, कमल जी का जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके उस हाथ को नहीं पता लगता जिससे भैया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने टीवी पर मेरे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे जो पुरानी फिल्मों के बारे में हैं, पुराने डायरेक्टर, पुराने एक्टर, पुराने सिंगर, वो इनकी मदद के बगैर नहीं हो सकते थे। और हुआ ये था, मुझे अच्छी तरह याद है, हम एक एयरपोर्ट पर मिले थे, तरक्की चार भी थे, कमल जी भी थे, तो हम लोग कोई बात नहीं पुरानी बनानी थी, तो जिक्र हुआ कि भाई लोगों को तो याद ही नहीं रहता है, एक लड़की 18-19 साल की थी, उसके नाम सामने किसी ने दलीप कुमार का नाम लिया, तो उसने दलीप कुमार की कौन सी पिक्चर, उसने तुमने देवदास नहीं देखी, हाँ हाँ देवदास को मैंने देखे, तो तुम शाहरुख खान के फादर के रोल में। तो ये इल्म है हमारे लोगों का, इतने महान ग्रेट एक्टर जिसने 5-6 पीढ़ियों को एक्टर से मुतासर किया, ये इल्म है हम लोगों का। तो ये बात हम लोग कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई आप इस पर कुछ प्रोग्राम क्यों नहीं, मैंने कहा कमल जी एक निश किस्म का प्रोग्राम होगा, ये जो लोग बहुत हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, सर बाकी पुरानी चीजें देखना चाहते हैं तो वो इसे देखेंगे, अब सब नहीं देखेंगे, ये हो सकता है इतना अट्रैक्टिव चैनल को एक प्रोग्राम इसे डायल स्पॉन्सर। और अब भी
मैंने उनका पांचवा सीधे खत मेरा फ्रेंड पर। अब ये बात पता नहीं कितना को मालूम है कि मेरे घर के सिवाय मेरे भौजी चंद लोग होंगे, तो ऐसे मजा नहीं कितने काम करते हैं और इसके लिए खेल का दिल ही खास होता है। तो कमल जी बहुत बहुत मुबारक की तस्वीरों का भी और इन तस्वीरों को भी मुबारक कि आपने खींचा और मुझे आप यहाँ मिला जिसकी तस्वीर खींच रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, तो जब ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो तस्वीरें अच्छी हैं। कमल सर आपसे जानना चाहेंगे, जावेद सर यहाँ पे इनॉग्रेशन करने हैं, फर्स्ट मुलाकात उन्होंने बताई एयरपोर्ट पे हुई थी, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे बॉन्डिंग? नहीं वो फर्स्ट मुलाकात नहीं थी, मुलाकात होती रहती है, हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, लेकिन ये तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इनकी तो बात ही अलग है, जहाँ भी कुछ बोलते हैं तो ऑलवेज वर्दी ऑफ कमेंट, वर्दी ऑफ डिस्कशन, और बड़ा यानी इनकी शेरो शायरी छोड़िए ऑन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ये जहाँ भी बोलते हैं, फिक्की में एक बार उन्होंने एक भाषण दिया हुआ आज तक आई थिंक है, श्री श्री रविशंकर बहुत नाराज़ हो गए इनसे। भाई इन्होंने कहा, सही कहा, मैं रिपीट करूँगा कि भाई इंडिया का ट्रेडिशन ये रहा है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, कि राजा महाराजा महल छोड़ के जंगल में चले जाते, बुद्ध महावीर जो राजा थे ना, अशोका, दे ऑल टुक टू। आज ट्रेडिशन है कि जो स्वामी है जंगल से वो महल में आ रहे हैं, ये तो उल्टा रास्ता चल रहा है। रविशंकर जी डिड नॉट लाइक इट, बट फैक्ट तो है ही ना, इंडियन हिस्ट्री बुद्ध है, हमारे बाल ठाकरे हमेशा कहते थे हमको, वो अलग तरह के आदमी थे, ये बुद्ध का नहीं रखना घर पर कभी भी, राजा था भिखारी हो गए। अच्छा बताइए उनका अलग लॉजिक। जी, इस तरह के आपका सवाल ही बहुत अच्छा है और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है,
हम लोग जो हैं इस मामले में कुछ किया, एफर्ट कर रहा है, बहुत से लोग हैं जो इसमें बहुत सिंसियरली लगे हैं, लेकिन वो एफर्ट अभी भी कम है। अभी भी जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये नहीं है। पोचिंग आज भी है। अगर आप किसी भी साल की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने टाइगर पोच हो गए, कितने टाइगर मर गए। और एक और अच्छी बात है, सरिस्का जैसे एक है, अब वहाँ कोई नॉर्मल आदमी टाइगर मार ही नहीं सकता। एक ट्राइब है वहाँ बावरिया, बावरिया की ट्राइब्स है, कोई बावरी आपके साथ नहीं होगा तो आपको टाइगर ट्रैप नहीं होगा। तो 200 फैमिलीज हैं खाली वहाँ। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, 200 फैमिलीज को रोजी रोटी का कोई रास्ता ढूंढ दो, ये धंधा बंद कर रहे हैं लोग। तो सरिस्का फाउंडेशन ने शुरू किया कि भाई ये वो बेचारे ट्राइबल हैं, वो वही काम जानते हैं। तो इंडिया बहुत यूनिक जगह है, इतना आसान नहीं है, वो बंदूक से मार नहीं सकता वहाँ जाके। वो ट्रैप करते हैं टाइगर को, वो वही लोकल लोग कर सकते हैं। सर जैसे कि फिल्म सिटी की बात करें तो फिल्म सिटी में भी हम देखते हैं कि एनिमल्स को काफ़ी परेशानी होती है, वो बाहर आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो है क्या, ये सिर्फ फिल्म सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में बहुत जगह हो रहा है कि शहर फैलते जा रहे हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे, हमारे देश में भी, तो जो इलाके थे टाइगर्स के, जो बड़े बड़े जिन्हें कहते हैं टाइगर पार्क्स थे, वो श्रिंक कर रहे हैं। तो उनका इलाका कम होता जा रहा है। आप जो आप ये देखते हैं संजय गांधी नगर और यहाँ वहाँ, ये शेर कोई घूमते हुए मरीन ड्राइव में थोड़ी आते हैं, हमारी बस्तियाँ उधर जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको भी ये सोचना होगा कि भाई कितनी जगह टाइगर के लिए छोड़नी है और हमें वाइल्ड लाइफ के लिए छोड़नी है। और सर उसमें प्रे बेस होना चाहिए, अगर टाइगर के लिए इनफ चीतल नहीं है वहाँ पे, इनफ सांभर नहीं है, तो खाने के लिए बाहर घूमेगा कहीं ना कहीं। प्रे बेस नेशनल पार्क एक स्पेशलाइज चीज़ है, यू टू मेंटेन, उतनी जगह होनी चाहिए, उतना प्रे बेस होना चाहिए। जहाँ अच्छा है, जैसे रणथंभौर है, बांधवगढ़ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।